इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख। गौरीगंज कांड पर एडीजी जोन अयोध्या का बयान, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीजी जोन लापरवाह पुलिस कर्मियों पर भी गिर सकती है गाज, चुनाव खत्म होते ही दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है। कानून को हाथ में लेने को नहीं बख्शा जाएगा, एडीजी दोषी पाए जाने कठोर कार्रवाई होगी। एडीजी जोन संजय कुमार यादव की रिपोर्ट। प्रतिबद्ध सर, जिस तरह से अमेठी में थाने के अंदर मारपीट की जा रही है, कहीं ये कानून को चुनौती तो नहीं? देखिए, ऐसे जब इतने बड़े स्तर पर चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश आप जान लीजिए सब भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज़्यादा जनपद इसमें है, इतने वृहद स्तर पर चुनाव कराए जा रहे हैं, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराए जा रहे हैं। इक्के दुक्की घटनाएं जहाँ कहीं होती है, वहाँ पर जाकर पुलिस द्वारा जो आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रक्रिया अनुसार की जानी चाहिए वो की जाती है। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि शासन में 100% विधिक कार्रवाई होगी और जो भी लोग किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में तनिक भी हिचकिचाहट पुलिस के मन में नहीं है। सर, जिस तरह से अमेठी में ये थाने के अंदर मारपीट हुई, इस पर क्या कार्रवाई की गई? देखिए, आज चुनाव है और इससे पूर्व कल ये जो घटना अप्रत्याशित घटना घटी, इस पर तुरंत पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया और आगे की कार्रवाई प्रक्रिया अनुसार की जा रही है और बहुत ही अच्छे ढंग से कार्रवाई होगी, प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का प्रयास करें और आपके माध्यम से सभी लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे इस जो कार्य में, इस शांतिपूर्ण ढंग से चुनावों को संपन्न कराने के कार्य में हमारा सहयोग दें। जहां कहीं किसी भी प्रकार का असहयोग परिलक्षित होता है तो जो विधि में, कानून में जो कार्रवाई की अपेक्षा की गई उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कल वाले जो घटना में भी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।